हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी को दिल से विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बहुत ही अच्छे रहो एंड बहुत ही अपने आने वाले टाइम में ना गाइस बहुत ही ग्रेटर हाइट्स में उठो। तो साल तो खत्म हो चुका है, हम 2024 में आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं, थोड़ा हम रिकैप करेंगे 2023 को कि कैसे हमने इस 23 को जिया था, कितना हमें दुख दिया 2023, कितना हमें सुख दिया, उसको हम थोड़ा जानेंगे हाईलाइट में। एंड ऑल्सो 2024 में स्पोर्ट्स कैलेंडर कैसा है इंडिया की, इंडिया कौन सी मेजर टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यस, वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इस तरह से वीडियो ना कैसे आपको कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने स्पोर्ट्स लवर के साथ मेरे वीडियो को एटलीस्ट शेयर करो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ईयर 2023 जब स्टार्ट हुआ तो हमारे सामने एक रेसलिंग प्रोटेस्ट देखने को मिला एंड हमें रियलाइज हुआ कि हाउ पॉलिटिक्स रुइन अ स्पोर्ट। एंड रेसलिंग की वजह से ना, नॉट ओनली इन रेसलिंग, हमें बाकी का स्पोर्ट का भी सिनेरियो मिला। जैसा कि हमने जाना कि फीफा, हॉकी, आर्चरी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स को भी ना ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन की वजह से कितना उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। देन इसके बाद हमें हॉकी वर्ल्ड कप देखने को मिला जो इंडिया होस्ट कर रहा था इस हॉकी वर्ल्ड कप को। एंड हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थे एंड हम एक गुड कंटेंडर थे द विनर ट्रॉफी। बट साल की पहले ही हमें एक दुख से गुजरना पड़ा जब हमारी हॉकी टीम ने ना गाइस जो क्रॉसओवर राउंड है जो इक्विवेलेंट है प्री क्वार्टर फाइनल से, प्री क्वार्टर फाइनल में हमने न्यूजीलैंड से हारा। हमारा रैंक था थर्ड रैंक एंड हमको 14-15 रैंक की न्यूजीलैंड ने तब हमें हरा दिया था, जो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ था। देन हमारे इस दुख को बुलाने के लिए अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप हुआ, जिससे हमारी इंडियन टीम ने फर्स्ट टाइम अंडर 19 टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीता था। देन इसी महीने में ही एक और बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ वुमेन्स की, जिसमें चार इंडियन प्लेयर ने ना गोल्ड मेडल जीता था। एंड ऑल्सो जो पॉइंट्स टेबल है, पॉइंट्स टेबल में हमने टॉप में फिनिश किया था। निकत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू गंगास एंड स्वीटी वर्मा ने इंडिया के लिए चार महत्वपूर्ण मेडल जीता था। देन इसके बाद वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप हुआ एंड जिसपे ना हमने गाइस ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हारे थे एंड हमारा जो फाइनल खेलने का सपना था वो भी हमको नसीब नहीं हुआ। देन इसके बाद हमारे नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया के लिए एक लौता गोल्ड मेडल भी जीता था। देन इसके बाद क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमको एक बार फिर हार का सामना मिला एंड हमको अगेन ऑस्ट्रेलिया ने हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एंड हमसे इतना करीब से वो चैंपियनशिप लेकर गया था। देन इसके बाद हमारी फुटबॉल टीम का एक्शन स्टार्ट हुआ जब सेफ कप को हमने जीता था। देन द हिस्टोरिक एशियन गेम्स का स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने हिस्टोरिकली 107 मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम भी जीता था। इसमें देखो बहुत सारे हाईलाइट्स थे, हमारी बहुत सारी मेडल हमने जीते, बहुत सारे हिस्ट्री हमने क्रिएट किया एंड कुछ स्पोर्ट्स तो ऐसे भी थे जिसमें हमने फर्स्ट टाइम मेडल भी जीता था। मैं कुछ एक दो हाईलाइट्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट, जो स्क्वाश का मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो फाइनल मैच था, वो शायद इस डिकेड में बहुत ही शानदार मैच हुआ था इस डिकेड में एंड लास्ट शॉट में जाकर इंडिया ने इस मैच को जीता था। तो दिस इज द गेम ऑफ द डिकेड। इसके बाद हमारी सैतिक राज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता एंड बिकम द नंबर वन इन द बैडमिंटन। Also, this is our first double school medal. इसके बाद जेबलिन थ्रो में नॉट ओनली नीरज चोपड़ा के साथ साथ जो किशोर जेना है उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था। देन चेस की वर्ल्ड कप में हमारे जो प्रगानंद है वो भी फाइनल में खेलने वाले इंडिया के एक प्लेयर बने हैं, बहुत सालों के बाद एक इंडियन प्लेयर फाइनल में गया था। एंड ऑल्सो जो पैरा एशियन गेम्स हुआ था इसमें जो शीतल देवी है उन्होंने दो गोल्ड मेडल एंड एक सिल्वर मेडल भी जीता था एंड जिसके वजह से ना गाइस उन्होंने ऐसा साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर स्पिरिट हो गेम का तो विदाउट योर डिसेबिलिटी के साथ भी आप बहुत ही ग्रेटर हाइट्स में जा सकते हो। एंड हम सबकी जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। एंड ऑल्सो शी इज द ओनली इंडियन प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी के जो किताब है उसको भी जीता है। देन इसके बाद अक्टूबर का महीना जब स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड कप का फीवर भी स्टार्ट हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी। एंड इस वर्ल्ड कप पे हमने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया एंड हमने इवेंचुअली फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया एंड सबका यही मानना था कि इंडिया ही इसको जीतेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था एंड बिकम द सिक्स टाइम वर्ल्ड चैंपियन। इस साल हमारे लिए कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था, बट नेक्स्ट ईयर कैसे होंगे, नेक्स्ट ईयर क्या हमें
ऐसे ही जीना होगा आदत से, या फिर नेक्स्ट ईयर हमारे लिए और भी अच्छे हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इंडिया स्पोर्ट्स कैलेंडर को। तो इंडिया के स्पोर्ट्स कैलेंडर स्टार्ट होंगे जनवरी से। तो पहले हम जनवरी के मंथ को देख लेते हैं। तो जनवरी 11 से 25 से लेकर ना गाइस बाहरीन में एशियन मेंस हैंडबॉल का चैंपियनशिप होगा, जिसमें 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ऑल्सो ये जो 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगे ना, इसमें से जो टॉप 4 टीम है वो क्वालिफाई कर लेंगे वर्ल्ड हैंडबॉल वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें से इंडिया ना ग्रुप सी में है। इंडिया के साथ साथ इराक, जापान एंड सऊदी अरेबिया भी है। देन 12 जन से लेकर 10 फरवरी के बीच में चलेगा द एएफसी एशिया कप, जो कतर में होस्ट करेंगे। एंड इसमें भी इंडिया ग्रुप बी में है, एंड जिसमें इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया भी है। देन 13 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा 2024 की अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया ग्रुप ए में है एंड जो साउथ अफ्रीका होस्ट करेंगे। एंड ऑल्सो इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में ना यूएसए, आयरलैंड एंड बांग्लादेश भी है, एंड बांग्लादेश जो रिसेंट एशिया की चैंपियंस भी है। देन इसके बाद 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में ना गाइस ओमेन एफआईएच हॉकी का जो 5S वर्ल्ड कप है वो भी होगा, जिसमें से इंडिया जो है वो ग्रुप सी में है। एंड इंडिया के ग्रुप में है यूएसए, पोलैंड एंड नामीबिया, जो ओमान होस्ट करेंगे। देन 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ना 2024 की मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप भी होंगे, जो ओमान अगेंस्ट होस्ट करेंगे, जिसमें इंडिया ग्रुप बी में है। एंड इंडिया के ग्रुप पे ना इजिप्ट, स्विट्जरलैंड एंड जमैका भी है। देन फेब का महीना स्टार्ट होंगे, फेब के महीने में जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे ना, तो देखो 10 फेब को ना हैदराबाद में जो ई प्रिक्स होंगे, जो रेसिंग की जो होता है ना वो होंगे इंडिया में। देन 13 फेब से लेकर 18 फेब के बीच में ना 2024 की बैडमिंटन एशियन टीम की चैंपियनशिप होंगे, जो मलेशिया होस्ट करेंगे, जिसमें इंडियन टीम भी पार्टिसिपेट करेंगे। देन 24 फेब से लेकर 6 मार्च तक चलेगा एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स, जो एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देन इसके बाद 3 फेब से लेकर 18 फेब के बीच में ना एफआईएच वुमेन्स प्रो लीग भी होंगे, जो इंडिया में कुछ मैचेस होंगे। देन 10 फेब से लेकर 25 फेब के बीच में एफआईएच मेंस प्रो लीग भी होंगे, जो इंडिया की भुवनेश्वर वो होस्ट करेंगे। देन मार्च के महीने में तो ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, तो मार्च के महीने में वैसे भी आपको लीग्स वीग्स देखते ही चला जाएगा, मुझे पता है आईपीएल डब्ल्यूपीएल देखते ही चला जाएगा। देन अप्रैल के महीना स्टार्ट होंगे, तो अप्रैल के महीने में ना गाइस 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलेगा एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ओके, तो ये भी होस्ट कौन करेगा भी पता नहीं है, बट इसमें इंडियन टीम भी पार्टिसिपेट करेंगे। देन मई का महीना, मई के महीने में भी कुछ ज्यादा नहीं है, एंड आई नो आप लोग इसमें आईपीएल ही देखोगे। देन जून के महीना जब स्टार्ट होंगे ना, तो जून के महीने में बहुत एक बड़ा इवेंट है, 4 जून से लेकर 30 जून तक होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, एंड दिस इज द हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप होने वाला है, जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज होस्ट करेंगे। नॉट ओनली द होस्ट की वजह से, देयर फॉर्मेट की वजह से एक बहुत ही हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप होने वाला है। देन 1 जून से लेकर 14 जून तक चलेगा चेस का अंडर 20 चैंपियनशिप, जो इंडिया होस्ट करेंगे। देन जुलाई के महीने की अगर बात करें तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होगा ना 2024 की समर ओलंपिक, एंड जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है एंड बहुत ही मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही डाई हार्ट फैन हूँ ओलंपिक्स का। देन इसके बाद अगस्त में 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा 2024 की समर पैरा ओलंपिक गेम्स, एंड जिसमें पिछली ईयर हमने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया था, एंड ये भी एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। देन सितंबर का महीना जब स्टार्ट होगा, तो सितंबर के महीने में ना गाइस T20 वुमेन्स का भी वर्ल्ड कप होंगे, जो बांग्लादेश होस्ट करेंगे। देन अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक होगा सेफ की सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। देन नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ में ज्यादा कुछ टूर्नामेंट नहीं है, बैडमिंटन के इवेंट्स होंगे जो लखनऊ में होंगे। देन दिसंबर महीने में भी ज्यादा इवेंट्स नहीं है। तो दिस इज द कंप्लीट इंडिया की स्पोर्ट्स की जो कैलेंडर है। आई नो बहुत सारी वेबसाइट में आपको इससे डिटेल्स नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ही हर एक टूर्नामेंट को एनालिसिस करके मैंने लिखा है। एंड इस न्यू ईयर के मौके में देखो मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट बात, आई नो पिछले ईयर हमने बहुत ही ज्यादा हमने इंजॉय किया, एंड मेरे चैनल के लिए तो बहुत ही शानदार ईयर था पिछले ईयर, बट मैं होप करूंगा कि आने वाले टाइमों में भी ना गाइस मैं अपनी फुल डिसिप्लिन से, फुल डिग्निटी से एंड फुल रेस्पेक्ट के साथ ही मैं वीडियो बनाऊँ। एंड मिलते हैं गाइस फ्यूचर में एक और वीडियो में, तो हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू, बाय।